मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं आपको, इसलिए बताना चाहता हूं कि हमने सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाया है, टेररिज्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाया, इस पर आक्रामक कार्यवाही करी ऐसा नहीं है। हमने टेररिज्म की इको सिस्टम को खत्म करने का काम किया, जो टेररिज्म को फाइनेंस करते थे उन पर भी काम किया है। एनआईए द्वारा टेरर फाइनेंस के केस 32 रजिस्टर किए गए 2014 के पहले, एक भी केस। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टेरर फाइनेंस के केस 51 रजिस्टर किए, पहले स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जरूरत ही महसूस नहीं की गई थी। और मान्यवर, 229 टेरर फाइनेंस केस में अरेस्ट हुई है, 150 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हुई है, 57 प्रॉपर्टी सीज हुई है, और एसआईए द्वारा 134 बैंक अकाउंट में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा रकम को फ्रीज करने का काम नरेंद्र मोदी। ये जो कह रहे क्या बदलाव आया, मैं दिखाता हूं बदलाव क्या है। मान्यवर, आज मैं इतना कह रहा हूं कि हमने एक बहुत बड़ा कठोर निर्णय सुरक्षा की दृष्टि से हमने उठाए हैं। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं, पहले 2014 के पहले और आर्टिकल 370 नाबूद होने के पहले आपने देखा होगा आतंकवादियों के जनाजों में 25,000 की भीड़ आती। मैं सभी सदस्यों को कहना चाहता हूं, एक भी दृश्य अभी देखा है 370 के बाद? ना, कोई नहीं करता सर, क्योंकि हमने निर्णय किया है जो भी आतंकवादी मारा जाएगा उसी जगह पे संपूर्ण धार्मिक सम्मान और रीति रिवाज के साथ वहीं दफना दिया जाएगा। स्टोन पेल्टिंग क्यों कम हुई? जितनी नौकरियों की एडवर्टाइज है इसमें सरकार ने तय कर लिया है कि स्टोन पेल्टिंग का एक भी केस अगर रजिस्टर है तो वो परिवार में से किसी को नौकरी नहीं मिली। क्यों ये विदेश भागकर आतंकवाद करते हैं वो लोग, डरे हैं? क्योंकि हमने तय किया है जिसका परिवार का जन पाकिस्तान बैठकर आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है उसके परिवार में किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। मान्यवर, हमने तय किया है कि जो टेलीफोन रिकॉर्ड के आधार पर प्रस्तापित होता है कि किसी का परिवार का व्यक्ति लिप्त है आतंकवाद को बढ़ावा देने में, तो नौकरी में है तो भी उसको डिसमिस करने के सर्विस रूल्स हमने बनाए। मान्यवर, जीरो टेरर प्लान और कंप्लीट एरिया डोमिनेशन के माध्यम से पूरे टेररिस्ट प्रभावित क्षेत्र को आज हमने सुरक्षित करने का काम किया है। मान्यवर, आज मैं कहना चाहता हूं, जेल अड्डा बनकर पड़ी रही थी नरेंद्र मोदी सरकार ने जेलों के अंदर जैमर लगाकर सख्ती लगाने का काम किया है और 105 करोड़ की लागत से एक नई जेल बन रही है जो सिर्फ टेररिस्टों के लिए बनेगी। मैं विश्वास के साथ कहता हूं वो जेल की सुरक्षा कोई भेद नहीं पाएगा और टेररिज्म के अंदर कोई अपना योगदान